तो वह 21 दिन का व्रत लेके जाना है। किसी के संबंधों में कड़वाहट है, द्वंद्व चल रहा है, शीत युद्ध चल रहा है, कोल्ड वॉर आपस में ही, उनको उस संबंध को ठीक करने के लिए भट्टी करनी है। और ये भट्टी अत्यंत गुप्त होगी, किसी की भोजन में आ सकती है, वो भोजन पर भट्टी करेंगे। किसी की दिनचर्या सेट अब तक नहीं हो पाई है, वो दिनचर्या पर भट्टी करेंगे। किसी के ऑफिस जॉब करियर बिजनेस सेंटर पर जब तक है तब तक ठीक है, घर पर ठीक है, जैसे ही उस क्षेत्र में प्रवेश करते हलचल चालू हो जाती है। क्यों होती है वो हलचल? उस पर गहन चिंतन की आवश्यकता है। इसलिए ये समझो कि यहाँ आना ये तो केवल एक पूर्व तैयारी है उस भट्टी की, जो यहाँ से जाने के बाद करनी है। और वो जो टॉपिक्स होंगे वो मौन में प्राप्त होंगे। टाइम सुबह 2 से 5 के बीच। जल्दी सो जाओ, जितना हो सके भोजन हल्का रात्रि का, ताकि 1:30-2 बजे उठ सको। क्योंकि मधुबन का ऐसा वायुमंडल और कहाँ मिलेगा? तपस्वियों की तपोभूमि है ये, ब्रह्मा की कर्म भूमि और कर्मातीत भूमि है ये, दादियों के चरण कमल इस धरती पर पड़े हैं, यहां तपने के लिए आए हैं, मनोरंजन के लिए नहीं, तपना है। बाकी सब चीजें तो वहां पर भी की जा सकती है, परंतु यह अवसर मिला है। सभी सेवाओं से सभी फारिग है, किसी को यहां कोई सेवा नहीं है, सब कुछ मिल रहा है। यह सब कुछ मिलते हुए भी यदि हम भोग और विलास में डूबे रहे तो काम अपूर्ण रह जाएगा। और काम बहुत बड़ा है, पता नहीं अंदर क्या क्या भरा है। ऊपर ऊपर से तो सफाई हो रही है विकारों की, पर विकार सबकॉन्शियस माइंड में है, जिसकी हमें कोई खबर नहीं है। इतनी गहरी ईर्ष्या बैठी है, कोई घृणा है किसी आत्मा के प्रति। ऊपर से तो हमारे नारे हैं, हम विश्व कल्याणकारी है, परंतु जैसे ही कोई एक आत्मा सामने आ जाती है, अचानक मन में हलचल होती है। अचानक किसी ने 10 साल 20 साल पहले अपमान किया था, कुछ कहा था, उसकी वो बात अब तक याद है। संडे की मुरली, जरा भी घृणा ना हो किसी के प्रति। विकार बहुत बहुत सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देते हैं। क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि पानी हमेशा हिल रहा है। शांत कर दो उसको। इस भट्टी का लक्ष्य रखो अनुभूति। ये क्लासेस बहुत सुन सकते हैं, ऑडियोज बहुत है अवेलेबल। बाढ़ आई है इंटरनेट पर क्लासेस की। यहां लक्ष्य रखना है अनुभूति, यहां लक्ष्य रखना है मौन, यहां लक्ष्य रखना है एकांत, स्थूल एकांत, सूक्ष्म मौन, स्थूल मौन, नो कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड। क्योंकि अंदर जाना है, बहुत गहरा काम है। ऑपरेशन होता है तो रेड लाइट लगता है, नॉट अलाउड बाहर के लोग। ये भी एक ऑपरेशन थिएटर है, चीरा लगा रहे, पता नहीं क्या आएगा, मन पर चीरा लगा रहे। जन जन के विकार, छोटा सा बच्चा पालने में है, कितना निरागस लगता है, कितना निर्दोष दिखाई देता है, परंतु उसमें सब कुछ है, जन्म जन्म का किचड़ा भरा हुआ, वो धीरे धीरे प्रकट होता है। इसलिए ये 3 नियम, मोबाइल स्विच्ड ऑफ, जो प्रशासन में है और जिन्हें बहुत जरूरी है उनकी बात अलग, पर बाकी लोग बंद। ये काम उसी दिन करना है, और किया भी होगा कहीं नहीं, जिस दिन आए थे
दूसरा आपस में बातचीत बंद, नो शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंस, भोजन करो तो मौन में, ध्यान दृष्टि भोजन की थाली में, कॉन्शियस ईटिंग धीरे धीरे याद में, चलो तो फरिश्ते जैसे। यहां के इंस्पेक्टर बनकर नहीं आए हैं, यहां क्या दोष है और कौन क्या करता है इससे कोई लेना देना नहीं, जो करने आए हो वही करके जाना है। माइंड योर ओन बिजनेस। और तीसरा, इससे मिलूं उससे मिलूं, यहां जाऊं वहां जाऊं। कोई व्यक्ति योग में बैठता है, आधे घंटे के बाद उठता है, कौन उठाता है उसे? अंदर की बेचैनी, उसे और कोई नहीं उठाता, ना भूख उठाती है ना उसे कोई सेवा है, अंदर चित्त बेचैनी से भरा हुआ है। अभी भी यहां बैठे हैं पर अंदर बेचैनी है, जल्दी ये पूरा हो जाए और जाए यहां से, और जहां जाए वहां जाने के बाद वो पूरा हो जाए और फिर आगे आगे जाए। रेस्टलेसनेस, इसलिए कहा लिखा बहुत सुना बहुत, यहां केवल लिखने सुनने के लिए नहीं आए, अनुभूति, यहां अभी अभी बैठे बैठे ही चित्त को शांत कर दो। जो क्लासेस यहां सुन रहे हैं, बीच का जो मौन है, दो वाक्यों के बीच जो अंतराल है, उसमें बीच बीच में भीतर की यात्रा करनी है, क्योंकि काम बहुत बाकी है। ऊपर ऊपर से सब कुछ पता है, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है ज्ञान का जो हमें पता नहीं है, फिर मिसिंग क्या है? मिसिंग है अनुभूति, दिव्य ध्येय की ओर तपस्वी। अविचल बढ़ता चल, गीत है। देह हमारा बहुत ऊंचा है, लक्ष्य बहुत ऊंचा है और हम कहीं ना कहीं भटक गए हैं। ये भटकन बहुत सूक्ष्म है, तो आज शाम, आज की पूरी रात, कल का पूरा दिन, कल की रात, एक एक दिन और एक एक रात क्रांति का दिन हो और क्रांति की रात हो। चुप हो जाओ, एब्सोल्यूट साइलेंस, क्योंकि बहुत सारे काम करने बाकी है। विकारों की ऊपर ऊपर से सफाई कर दी है पर भीतर बैठे अचानक उभर के आते हैं। 10 साल सब कुछ ठीक चल रहा है, अचानक काम का संकल्प कहां से आ गया? था इसीलिए आया, हम कहते ये तो था ही नहीं, आया कहां से पता नहीं, अचानक ये बेचैनी कैसे हुई? कोई कुआ है, उसमें बकेट डालो, उसमें अगर पानी है ही नहीं तो कुछ नहीं आएगा, पानी आया मतलब पानी था, और हम 10 साल से समझ रहे थे कुछ भी नहीं है उसमें।